मेरा लेकर दिया लक्ष्मी राय बिहार से। आप लोग देवी दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, फिर क्यों अपने ही आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को टाइम बताकर उसे अवकाश में रहने को कहते हैं? संगीत की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन जब महिलाएं गीत गाती है, नृत्य करती है, तो उसे काला जादू सीखना कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कुछ ऐसे ही अंधविश्वास जो हमारे समाज में पनपते हैं और उससे जुड़ी वैज्ञानिक बातें जिसे हमने अपने नाटक के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं एक लघु नाटक अंधविश्वास पर आधारित, जिसका नाम है आखिर क्यों। Thank you.
मुन्ना कितना प्यारा कितना सुंदर है। भाभी मुन्ना तो सच में सुंदर है। अरे बहू तूने मुन्ने को टीके लगाए कि नहीं? उसे किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। आज उसकी छठी है। जी माँ जी मैं इसे काला टीका लगा दूंगी। माँ जी आपने कन्हैया मांगने वालों को बुलाया या नहीं? अरे बहू मैं उन्हें क्यों नहीं बुलाऊंगी, उनके ही आने से तो मेरे मुन्ने की आयु बढ़ेगी। अरे माँ जी वो तो कब से आके बैठे हैं। अरे जब आ गए तो तू जल्दी जा उन्हें बुला के ला। माँ जी Oh!
कसुर मेरा भी यही था। मैं भी अंधविश्वास के माया जाल में फंस के चली गई। मैं बहुत खुश थी अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के वृक्ष के नीचे खेल रही थी। चलो चलो खेलते हैं। अरे
मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अच्छा हुआ आप लोग समय पे आ गए। अगर 5 मिनट की भी और देरी होती तो आज उसकी जान ना बच पाती। आपकी बच्ची जिंदा और स्वस्थ। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया डॉक्टर साहब? अरे ये कुछ चमत्कार है, यह तो हमारे विज्ञान का करिश्मा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे आसपास सांपों के कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वे सभी सांप विषैले नहीं होते। सांपों की प्रजातियां में केवल 4 प्रकार के सांप ही विषैले होते हैं। ये 4 प्रकार के सांप करैल, कोबरा, किंग कोबरा और वाइपर, जिसमें करैल सबसे ज्यादा विषैले सांप होते हैं। डॉक्टर साहब वो ओझा बाबा ने तो कहा था कि मेरी बच्ची अब जीवित नहीं है। अरे आपकी बच्ची को जिस सांप ने काटा था वो तो जहरीला था ही नहीं, जबकि उस तांत्रिक ने जो उस बच्ची को पानी पिलाया था उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके कारण वो बच्ची अचेत हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद मेरा नहीं, हम डॉक्टर तो होते ही आप लोगों की मदद के लिए। धन्यवाद करना तो इन लोगों का कीजिए। मुझे तो गांव वालों ने डायन बता कर मार डाला, जबकि मैं डायन नहीं थी। मैं कोई तंत्र विद्या भी नहीं जानती थी। बस बस उस औरत की बातों में आकर मैं जला कर मार दी गई। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप लोग उसे देखकर दंग रह जाएंगे। अगर आगे गया तो कुछ भी हो सकता है। भैया जल्दी चलिए ना, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे अस्पताल जाना है। भैया समझ क्यों नहीं रही, आगे काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। यहाँ मेरे बच्चे की जान पर बनी है, मेरा तो बिल्ली की परवाह। चलिए जो मर्जी कर जाए। Ha ha ha!
तो कैसे होगा सोचेगा? मगर तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, पूरे पृथ्वी में या तो मार दी गए या जला दी गए या डांट बता दे तभी पार कर दी गए। अरे रातों में कुछ बचाया अगर देखती है तो लौट कर दिए कहो। अरे ये क्या हुआ ने तुझे क्या ही बता कर चला गया मार डाला ताओ। अरे नहीं दिख रहा है तू उसको पावे नहीं दिख रहा है तू किसी पाताल में अरे नहीं दिख रहा है वो घर से आओ मेरे ताओ माँ ताओ। खिलने से पहले रोम दी गई कुचल दी गई निकाल दी गई चढ़ा दी गई अंधविश्वास की बलि वेदी पर चढ़ा दी गई अंधविश्वास की बलि वेदी पर। माँ बहन बेटे अंगनी अब शाम हुई देखो जीने के अब शाम हुई देखो जीने के अब शाम हुई अब शाम हुई रोटे पर रोटा कुछ कितना पीते झूठा मानवता बदनाम हुई। यहाँ जल रही है हजारों चिताएं माँ बहन बेटी की चिताएं चिताओं से निकल रहे सोलों से मैं सुन सकता हूँ वो सब जलते हुए इन चिताओं में अंधविश्वास 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 Oh, 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 oh.
की नजर में भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों का कोई प्रमाण नहीं है, यह सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास भूत प्रेत केवल इंसानों में ही क्यों, किसी जानवर में क्यों नहीं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी गधे में भूत आ गया हो या फिर किसी कुत्ते को चुड़ैल ने पकड़ लिया हो? तांत्रिक औजा कोई डॉक्टर नहीं होता, वह लोगों को सम्मोहित करता है और नशीली पदार्थ गांजा भांग धतूरा पिला पिला कर अपनी ओर आकर्षित करता है। शिक्षा के अंधेरे में ओझा का माने और लोग गया चांद पे फिर भी गांव में डायने। अरे भैया आप 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, यहाँ पे अंधविश्वास पे विश्वास ना करके अपने विज्ञान पे विश्वास करें। संगीत के धुन पर सांप नाच सकता, गाय दूध दे सकती है, तो संगीत के धुन पर औरत का नृत्य करना, गड्ढा निकालना क्या डायन है? मुझ तो मुझ बड़े लिखे इंसान भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए। जहाँ हमारा देश 21वीं सदी में जी रहा है, चंद्रयान और सूर्यान जैसे यंत्रों को लॉन्च करके विश्व गुरु बनने के सपने को पूरा करने जा रहा है, जहाँ हमारा विज्ञान और हमारे वैज्ञानिक रोज नई नई खोजों में लगे हुए हैं, वहाँ इस अंधविश्वास जैसी बातों को सच करने के लिए लाखों लोग ढोंगी बनकर शैतान की तरह इधर उधर घूम रहे, क्या यह उचित है? तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं और शिक्षा जैसे कुप्रथा को दूर भगाकर शिक्षा का ज्ञान को फैलाए और विज्ञान को आगे बढ़ाए। दिया जलाने चल पड़ा है।